आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पद्मापुर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, एमपीएसआई में कितना सिलेबस पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, वो जानकारी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने ला कर लेना, और जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना दोस्तों, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना दोस्तों। देखो दोस्तों, एमपीएसआई में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर कौन सा सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ये मैं पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एमपीएसआई का सिलेबस। देखो दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एमपीएसआई में कौन कौन से सिलेबस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो मैं बताऊंगा वो कितने नंबर का पूछा जा रहा, कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने मतलब कौन कितने पेपर होते हैं, ये पूरे बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो दोस्तों, फर्स्ट पेपर में पहला पेपर में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा वो यहाँ फर्स्ट पेपर लिख रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट फर्स्ट पेपर देखो दोस्तों, फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, दो पेपर होते दोस्तों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, एसआई में दो पेपर होते दोस्तों। फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा देखो दोस्तों, साइंस 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 में देखो दोस्तों, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और दोस्तों मैथ्स, पहला पेपर में इतना पूछा जाएगा दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो दोस्तों मतलब ये अब ये सब्जेक्ट मतलब ये फिजिक्स कितने नंबर का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री कितने नंबर का पूछा जाएगा और मैथ्स कितने नंबर का, फर्स्ट पेपर का बोल रहा हूँ दोस्तों, सेकंड पेपर का वर आएगा अलग। तो दोस्तों तो फिजिक्स कितने नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो लिख लेता हम यहाँ फिजिक्स। फिजिक्स पहला सब्जेक्ट लिख रहा दोस्तों, पहला पेपर का पहला सब्जेक्ट देखो दोस्तों, फिजिक्स कितने नंबर का पूछा जाएगा, फिजिक्स दोस्तों 33 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। और यह आपको दोस्तों 1 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों, फर्स्ट पेपर 1 घंटे का पेपर रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों, फर्स्ट पेपर में फिजिक्स 33 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, 33 मार्कर्स मार्क्स, ये 1 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों, 1 घंटे 1 आवर 1 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों। मतलब 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो दोस्तों फिजिक्स में 33 नंबर का 33 नंबर का पूछा जाएगा। अगला सेमेस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों 33 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, फर्स्ट पेपर में एसआई का 33 मार्क्स दोस्तों, 1 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों। मतलब सभी सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का 1 घंटे का पेपर, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के 1 घंटे का पेपर रहेगा। तो दोस्तों फिजिक्स 33 नंबर का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री 33 नंबर का पूछा जाएगा, और मैथ्स मैथ्स कितने नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैथ्स 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 34 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, मैथ्स 34 मार्क्स, ये पूरे टोटल 100 हुए दोस्तों। देखो दोस्तों, 3 और 4 7 7 और 3 10 सिलेक्ट, 3 3 2 6 और 3 3 9 9 और 1 10, 100 पेपर मतलब 100 मार्क्स का हुआ फर्स्ट पेपर, 100 मार्क्स का होता दोस्तों। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं दोस्तों, सेकंड पेपर कितने नंबर का होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अब सेकंड पेपर की बात करते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ, सेकंड पेपर का लिख रहा हूँ देखो दोस्तों, सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर हो गया दोस्तों। अब सेकंड सेकंड पेपर सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों देखो दोस्तों, सेकंड पेपर में इंग्लिश और हिंदी और जीके, देखो दोस्तों हिंदी पूछी जाएगी 70 नंबर की और इंग्लिश 30 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, और जीके 100 नंबर का, मतलब सेकंड पेपर 200 नंबर का होता है दोस्तों। 30 देखो दोस्तों, 30 नंबर इंग्लिश की होती है और 30 नंबर इंग्लिश का और 70 नंबर हिंदी के और 100 100 नंबर के जीके, सेकंड पेपर 200 नंबर का होता है दोस्तों।
भैया मैं लिख रहा हूँ सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का होता है, सेकंड पेपर में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट पर पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ मैं लिख रहा हूँ हिंदी कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, 70 नंबर का, सेकंड पेपर में 70 नंबर मार्क्स। ये पेपर दोस्तों ये 2 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों, सेकंड वाला पेपर 2 आवर्स का पेपर रहेगा दोस्तों, सभी सब्जेक्ट मिला के। और पहला मतलब फर्स्ट पेपर 1 घंटे का रहेगा दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट, पहला सेमेस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स। अब सेकंड पेपर में क्या दोस्तों, हिंदी 70 नंबर की पूछी जाएगी और इंग्लिश, इंग्लिश में दोस्तों इंग्लिश 30 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, सेकंड पेपर में 30 मार्क्स मतलब 30 नंबर का पूछा जाएगा। अब जीके दोस्तों, यहाँ जीके 100 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, 100 मार्क्स। देखो दोस्तों ये एमपीएसआई का सिलेबस है दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट का पूछा जाता है वो मैंने बताया दोस्तों। पहले पेपर फर्स्ट पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स में दोस्तों 33 नंबर का पूछा जाता है, सेमेस्ट्री में 33 नंबर का और मैथ्स में 34 नंबर का। फर्स्ट पेपर हो गया। अब सेकंड पेपर में 200 नंबर का पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का। सेकंड पेपर में दोस्तों क्या होता है, देखो दोस्तों हिंदी 70 नंबर का पूछा जाता है और इंग्लिश 30 नंबर का और जीके 100 नंबर का। तो दोस्तों ये कुल मिला के मतलब 200 नंबर का सेकंड पेपर होता है दोस्तों, ये 2 घंटे का रहता है और फर्स्ट पेपर 1 घंटे का। तो दोस्तों ये एसआई की पूरी जानकारी दोस्तों, मतलब कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाता है, कितने घंटे का और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ये मैंने जानकारी बताई दोस्तों। तो दोस्तों और फिर बाद में जो फिजिकल रनिंग होती है वो, यस मतलब जो सिलेबस बताया दोस्तों और फिजिकल रनिंग तो होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना दोस्तों, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना दोस्तों। और तो दोस्तों पद्मापुर एकेडमी में, और दोस्तों हमारे पद्मापुर एकेडमी में अवेलेबल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, वो सब्जेक्ट मतलब आप पद्मापुर एकेडमी सर्च करना दोस्तों, उस पर क्लिक करना, हमारी सारी वीडियो आ जाएगी दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।